तो आपको सीधे ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के मर्रा गांव, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता को संबोधित कर रहे हैं। भजन सिंह निरंकारी जी, प्रतिमा चंद्राकर जी, आर एन वर्मा जी, महत्तर वर्मा जी, अवनीश राघव जी, आदरणीय तुलसी साहू जी, राजेंद्र साहू जी, शंकर बघेल जी, आदरणीय कौशल चंद्राकर जी, आदरणीय राकेश ठाकुर जी, जयश्री वर्मा जी, तुलाराम वर्मा जी, अशोक मढ़रिया जी, देवेंद्र गेडाम जी, ताम्रध्वज वर्मा जी, ठाकुर हीरा सिंह जी, भागवत वर्मा जी, गायत्री नेताम जी, अशोक साहू जी, चंद्रशेखर जी, किशोर चंद्राकर जी, लोकेश परगनिया जी, दीप चंद वर्मा जी, अश्वनी साहू जी, आवाज स्कूल में नया नया सुविधा, नवा नवा कार्यक्रम जिकर आज शुरुआत करी हमारे शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी जी, ओकर साथ पूरा शिक्षा विभाग के पूरा टीम आए हैं, मंत्रालय के सब अधिकारी मन, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब और सबो आईजी और सब अधिकारी मन, आप सब हमार मर्रा स्कूल में आप सबके स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत जन साथी मन जिन हमारे सीनियर है तीनों मन यहाँ दिखत है, जिन सहपाठी तीनों हमारे जूनियर मन तक दिखत है, और नए नए जन शाला में जिन प्रवेश करे है वो सब छात्र छात्रा तो मर्रा गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता को संबोधित कर रहे हैं। शाला प्रवेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पाटन दौरा है, जहां पर मर्रा गांव से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता को संबोधित कर रहे हैं। शाला प्रवेश उत्सव में सीएम भूपेश बघेल ने आज शिरकत की है। तमाम तादाद में यहां पर जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, साथ ही मुख्यमंत्री को सुनने के लिए भारी संख्या में जनसैलाब भी यहां पर उमड़ा है। बच्चों को तिलक लगाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया है। मर्रा गांव से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शाला प्रवेश उत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर शिरकत की है। कार्यक्रम में बच्चों को तिलक लगाकर पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलित करते हुए भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर दिखाई दे रहे हैं, साथ ही स्कूली छात्र छात्राएं भी तस्वीरों में साफ तौर से देखे जा सकते हैं। शाला प्रवेश उत्सव का एक कार्यक्रम रखा गया था, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज अमर पाटन दौरा है। तो पाटन दौरे के दौरान मर्रा गांव सीएम बघेल पहुंचे, जहां पर शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की है। तो पाटन के मर्रा गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल जनता को अभी थोड़ी देर पहले संबोधित कर रहे थे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर, उनके माथे पर तिलक लगाकर इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। लेकिन मन से ही कहना चाहता हूं कि गुरु मन के सम्मान हमेशा हमल करना चाहिए। आज जब मर्रा स्कूल में आए तो गांव भी हुई है, स्कूल भी हुई है, पेड़ मन भी हुई है, बदले है तो बिल्डिंग बदल गए। पहले जिन बिल्डिंग में हमन पढ़त रहे वो बिल्डिंग में एक उठक नहीं बचे। कैसे सर था कुछ बचे कावर की ये जगह सामने साइड जिन साइड बैठे वही कर बिल्डिंग रही से, ये तरफ तो प्रैक्टिकल रूम रही से, टीचर मन के रूम रही से, वो तरफ प्रिंसिपल के निवास स्थल रही से, वो तरफ गुरु जी मन के निवास स्थल रही से। तो आज परिवर्तन बिल्डिंग मन में हो, लेकिन उकरे साथ साथ एक नया शुरुआत हमारे छत्तीसगढ़ में हो है, और में
ये जिन 6 महीना हम अल्लाह समय मिली इस में 3 महीना चुनाव निकल गए, आचार संहिता निकल गए, लेकिन 3 महीना जिन बची इस में स्कूल शिक्षा विभाग मेहनत करके आज सब स्कूल में जिन कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई करे के बारे में बहुत विस्तार से गौरव देदी जी जिन हमारे प्रमुख सचिव है वो सब बताया है कि हम यहाँ का शुरुआत करा था ऐसे ले के नई प्रणाली डिजी दुनिया टीम्स दीक्षा कैट एकर बारे में बहुत विस्तार से बता चुके हैं। ओकर बारे में और ज्यादा न करते हुए मैं इसके कहना चाहता हूँ कि ये जन स्कूल है हमन महात्मा गांधी ला जवाहरलाल नेहरू ला डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला जी ला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सरदार वल्लभ भाई पटेल लाल बहादुर शास्त्री जस्टिस हिदायतुल्ला श्रीमती इंदिरा गांधी एपीजे अब्दुल कलाम राजीव गांधी और जिन ये स्कूल में आए हैं विनोबा भावे जी भी यहाँ आगमन होकर हो है हम वो सब महापुरुष मल्ल याद करना चाहते हैं जिन हमेशा भारत ल जाति धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव भुला के एक साथ रहे के शिक्षा और साथ ही प्रतिगामी ताकत से लड़े के क्षमता प्रदान करी शिक्षा दिस देकर बरोमल्ल याद करते हुए हम सब ल जत का कुरीति है गत्यानुसी है पाखंड है कुतर्क है प्रतिगामी सोच है एकर मन से हम सब मिल के लड़ाई लड़ना है और सामाजिक समरसता हम ला बना के रखना है। मैं जब स्कूल के बात कर रहा था तो बहुत आज कुछ पेपर में 16 किलोमीटर लिख दे पैदल चला दे तो मरगांव में चला प्रवेश उत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक शिरकत की है जहां जनता को संबोधित कर रहे हैं। तो पाटन दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे यहां पर मर्रा गांव के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं के माथे पर तिलक लगाकर पूरे कार्यक्रम तो दू नालल पार करना नीचे हम बांधा हो गए तो धुमा तरफ से घूम के आ रहे काफी लंबा हमल जुलाई से लेके दिसंबर तक के हम पैदल चला और ओकर बाद जनवरी में ले दे के साइकिल चलत रही से भुरवा आएगा ढालू हमारे साइकिल चलाए एकदम ढालू जिन चलाए और साथ पाचुम बैठ के मैं आते रहे वो चलाते रही से यहाँ आ जाऊँ कहूँ जाना रहे तो उसे शारदा साइकिल चलाए हमन पाचुम बैठे में काबू साइकिल लाभ नहीं करते रहे तो पैदल खूब हमन चले हैं और वो चले का आदत आज भी है वही पाए कि चुनाव पहले मैं कम से कम छत्तीसगढ़ में 1000 किलोमीटर पैदल पूरा छत्तीसगढ़ बस्तर से लेके रायगढ़ तक के हमन खूब पैदल चले तो बचपन में जिन पैदल चले की जिन आदत रही से ओकर लाभ आज हमन ल मिली अब तो सड़क बन गए पक्का सड़क बन गए हमन आन तक कच्चा सड़क भी नहीं रहा है भरका मन लग कूदा फांदा था ना भरका क्यों थे मन नहीं समझी ऊपर में बैठे थे छोटे छोटे गड्ढा काली मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढा हो जाते हैं और बरसात के दिन पानी भर जाता तो हम लोग कूदते 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 आते थे जंप करते और हम लोग कई बार जहां मेड़ चढ़ना है वहां पे पानी डाल के थोड़ा सा स्लिपरी कर देते थे और जो अरहर है उसे बांध देते थे तो फिर जो भी आए या तो फिसल के गिरता था या फिर फंस के गिरता था तो फिर उस दिन उसकी स्कूल की छुट्टी तो बचपन के शरारतें भी बहुत सारे हैं। यहाँ हम लोगों ने वैसे खेलकूद के भी बहुत अच्छा माहौल दीजिए यहाँ कबड्डी भी खेलें खो खो भी खेलें हॉकी और फुटबॉल भी खेले या स्कूल में बागवानी भी लगाते रहे मिर्चा टमाटर भटा भी उत्पादन हमन करत रहे तो सब कुछ हमन ला सीखे ला स्कूल में मिले हैं। आज ये मंच के माध्यम से अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी यहाँ 5 अतिरिक्त कमरा के घोषणा करे फर्नीचर की घोषणा करे कुकर बरोल में बधाई देता हूँ साथ ही सरपंच साहब यहाँ यात्री प्रतीक्षालय के मांग करे 3 यात्री प्रतीक्षालय के ओकर मैं घोषणा कराता हूँ साथ ही
नल जल योजना पाइपलाइन विस्तार के टंकी। मंत्री जी आप घोषणा आप अनुमति दें तो घोषणा कर दी जाए। मर्रा में यहाँ मांग रखे, ये दोनों मांग के साथ साथ ये कहूँ कि यहाँ यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज बजट में शामिल है, वहीं मैदान में जहाँ मन खेलत रहे वहीं एक मिनी स्टेडियम भी निर्माण के मैं घोषणा कर रहा हूँ। आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो शिक्षा से, दूसरा जरूरी है स्वास्थ्य और तीसरा है रोजगार। ये तीनों चीज में हमारे काम करे का आवश्यकता है। 18-19 साल बीते के बाद भी शिक्षा के जिन स्तर में गिरावट है वो बहुत चिंतनीय है। काबर के आज हमारे लड़का मन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले पाते और वो पाए के आज सबसे ज्यादा जरूरी है लड़का मन के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण यदि शिक्षा देना है तो कर बर जरूरी है एक वातावरण कैंपस में, एक वातावरण चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो सब जगह एक अच्छा वातावरण बनना चाहिए। ओकर बर हम सब ल चाहे पालक हो चाहे टीचर हो चाहे छात्र छात्रा हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जितने भी साथी है वो सबके जिम्मेदारी बनते कि हम एक अच्छा वातावरण दें। मर्रा स्कूल वैसे भी हमारे पुरखा मन के ये देन है कि सब जन के योगदान से सबके सहयोग से ये स्कूल बनीज भी है और शिक्षा के आंदोलन खूब हमारे पाटन क्षेत्र में चले। आजादी के लड़ाई के साथ साथ सबसे ज्यादा जिन आंदोलन चले वो शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलन चले है और हमें मंत्री जी उदय राम जी हम स्मरण करना चाहते हैं जिन गांव गांव में स्कूल खुलवाए के प्रारंभ करे जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रही से और जब यहाँ दौरा में आए रही से तो मैं एक मांग करें कि घुघुआ हाई स्कूल खुलना चाहिए। ओके इसके आस पास में कबका दूर है हाई स्कूल, मैं कि तर्रम भी हाई स्कूल है, गोड़ पेड़ भी हाई स्कूल है, सेलूद में भी है, औंधी में भी है और पहड़ोर में भी हाई स्कूल है, तो दूरी कतका है, मैं कहें 7-8 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। उकर बाद भी हाई स्कूल मांगा था मैं कहें हमारे यहाँ शिक्षा के स्तर शुरू से बहुत अच्छा रहे, यहाँ के लड़का मन अभी भी मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे थे और उकर पहले भी आजादी के पहले भी हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पुरखा मन खूब मेहनत करे और वो समय आजाद जिस समय देश आजाद हो तीन समय हमारे यहाँ पाटन क्षेत्र में 6 हायर सेकेंडरी स्कूल रही से तो और किसे आज के ठक है लेकिन जिन समय पहली बार विधायक बने रहे तीन समय 30 हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे रही से तो दिग्विजय सिंह अपन उंगली गिनीस मुक्त थे मोर क्षेत्र में 6 हाई स्कूल है मैं कह मोर यहाँ 30 है। तो पाटन क्षेत्र शिक्षा के आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए है और मैं तो शिक्षा विभाग के मंत्री ला और प्रमुख सचिव ला और पूरा शिक्षा विभाग के टीम ला मैं बधाई देना चाहता हूँ कि पाटन क्षेत्र ला आप चुने जहाँ शिक्षा के आंदोलन लगातार चलत रहे वो क्षेत्र ला आप चुने। मर्रा स्कूल ये शिक्षा के आंदोलन के देन है, तीन स्कूल ला आप चुने तेकर पर विशेष रूप से मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ये स्कूल चयन करें और फिर से एक वातावरण बनाए कि जिन कोशिश और यहाँ से जैसे जिन बात की कि 6 महीना के अंदर में पूरा सबो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल डिजी दुनिया से जोड़े के काम करे की घोषणा एक लक्ष्य लेके चला थे शिक्षा विभाग होकर पर भी मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज जरूरी है हमारे रोजगार के आप सब देखें कि सरकार बनते ही सबसे पहली काम ऋण माफी की करें तो साथी मन केस के कोऑपरेटिव बैंक के थो थे लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक के नहीं हो पाते वो समय 6,000 करोड़ के रीसे लेकिन जब किसान मन के केस के हम राष्ट्रीयकृत बैंक से भी क्राप लोन लें तो वह घोषणा हमन करें और वो पैसा अब तुम्हार मन बैंक के खाता में चल रहे 2-4 दिन के अंदर में हो सकते तुम्हार खाता में जो राष्ट्रीयकृत बैंक के जिन में जो लोन है तेकरो पैसा तुम्हारे खाता में आयल दली जिन डिफाल्टर है तेकरो मन के पैसा वन टाइम सेटलमेंट करा था ताकि किसान लग ब्याज के बोझ मत दिल पड़े और साथ ही वो कर पैसा शासन लग भी कम दिल पड़े अब बैंक से निगोशिएट मन करा था वो राशि भी मिली वो कर साथ साथ 2500 रुपये क्विंटल में
धान खरीदी की व्यवस्था करें पूरा हिंदुस्तान में। ये पहला राज्य है जिन 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी हो थे। अब जिन सुने लहा थे अब रेखा देवाई कमती हो गए, सब जन अब खेती करे धल ले। सही बात है नहीं भैया? कैसे जाऊंगा जी, अब रेखा देवाई बंद, जो रेख देते थे बटाई देते थे अब बंद, सब खेती करना शुरू कर दिए। जो शहर में थे वो भी गांव में खेती करना शुरू कर दिए थे, और जो भर्री भाटा था वो भी अब धना। एकर मतलब ये हुई कि अब धान के रकबा बढ़ी, उत्पादन भी बढ़ी, तो एकर बर जरूरी है किसान लोग रेट मिले, और ओकर बर हमारे जन के प्रयास है। अभी नीति आयोग के बैठक हुई, प्रधानमंत्री जी भेंट हुई, वित्त विभाग के भी मोरेकर है तो वित्त मंत्री सीतारमन जी जब बैठक करी तो वो बैठक में गए रहे। मैं कहें कि हमारे यहाँ भारत में खाद्य के कबू कमीरी से इंदिरा जी के समय वो अमेरिका से अनाज ला के यहाँ के भूख मिटाए काम ला कर रही, उसी समय हरित क्रांति के आह्वान करी, और आज किसान मन के मेहनत से अतेक अनाज उत्पादन होते कि देश के एफसीआई के गोडाउन में उन्हें रखे बस जगह नहीं है। अभी 2 साल पूरा हिंदुस्तान के जनता खवाए बस 2.5 साल के अनाज है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी अनाज सरप्लस है, तो हम कहें कि भाई अनाज रखे रखे सड़ी और ओकर कोई व्यवस्था नहीं हुई, किसान ला रेट भी नहीं मिल पाते, तो अब बायोफ्यूल अनाज से धान से सीधा पेट्रोल बनाए के काम, एथनॉल बनाए के काम ओकर परमिशन दें, ताकि हम छत्तीसगढ़ के हर जिला में हर ब्लॉक में एथनॉल के प्लांट बनान लगान, ताकि किसान मन ला ज्यादा से ज्यादा अनाज के उत्पादन की कीमत मिल सके। ये प्रयास हमारे मन के है, और बहुत जल्दी हम वो दिशा में आगे बढ़बो। एक और महत्वाकांक्षी योजना हमन गांव के रहियन, गांव व्यवस्था जाना था, गांव जब छोटे रहे तो आदमी मतलब भले नहीं चिन्हत रहे, लेकिन काकरो घर कहूं गाय जन्मे हैं तो देखे बर जरूर जा हमन, और वर्णन भी करन हर घर के मवेशी हमन पहचानत रहे। आज जानवर मन की स्थिति बहुत खराब स्थिति में है, गाय गरु हो गए, पानी की स्तर लगातार नीचे जाते, हैंडपंप मन सुखद जाते, ट्यूबवेल सिंचाई पर भी पेयजल भी एकर कमी हो जाते। तो हम जे नारा देन छत्तीसगढ़ के चार चिनारी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी एला बचाना है संगवारी। पाटन क्षेत्र में तो हम 2001-2 में एकर शुरुआत कर रहे हैं गुजरा नाला प्रोजेक्ट के रूप में, बहुत अकन गाँव के जिन ट्यूबवेल है तेमें वाटर रिचार्जिंग हुए, नया पॉइंट भी मिले, तो हमारे यहाँ सिंचाई के रकबा ट्यूबवेल के माध्यम से बढ़ी भी है। और वो सैटेलाइट से जिन हम फोटोग्राफ्स ले हैं वही आधार पे पूरा छत्तीसगढ़ में भी वाटर रिचार्जिंग के काम हम करबो। हर विधानसभा पर DPR बनाए के काम चला थे, अगले साल से सब नाला मन में वाटर रिचार्जिंग के प्रोजेक्ट हम लेबो, ताकि पानी के कभी कोई कमी ना हो सके, वैज्ञानिक पद्धति से ये सब काम लग करना है। दूसरा जिन गरवा के काम गौठान के काम हम शुरू करे हैं, जिमें हर जिला में 15% पंचायत मन लोग चिन्हित करे हैं। हमरो क्षेत्र में 4-5 गांव में गौठान बनाए के काम शुरू हुए, लेकिन कोनो गौठान बहुत अच्छा बने, कोनो में ठीक से काम नहीं हुए। तो जिन जिला प्रशासन है एकर से मैं कहना चाहता हूँ कि गौठान सब बढ़िया बने, उपयोगी हो, उनमें चाहे घेरा के काम है, पेड़ लगाए काम है, पानी की व्यवस्था है, चारा की व्यवस्था, ये सब लग करना केवल प्रशासन के काम नहीं है, बल्कि जन आंदोलन बनाए का आवश्यकता है। काबर के मवेशी खुलम चरते, तो आज अगस्त महीना अगस्त सितंबर में मर्रा वाला मन गरवा सकेली बाहर की गरवा है तेल सकेली, छोटे हाथी मेटाडोर में भरी वो धुमा छोड़ी, धुमा वाला मन सकेली मोखली छोड़ी, मोखली वाला मन बोरी छोड़ी, यही काम चलती पूरा बरसात भर। तो हमन ये चीज नहीं चाहते ना, पूरा प्रदेश भर में ये योजना हमन गौठान बनाए काम, अगले 3 साल में ये हर गांव में गौठान बन जाए, मवेशी भर चारा और पानी की व्यवस्था होकर छैया की व्यवस्था हो जाए,
और वही गोबर गोबर से हमन कंपोस्ट खाद वर्मी खाद बनाए काम और गोबर गैस प्लांट लगाए काम करन ताकि खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ सके और कृषि लागत कम हो। ये दिशा में एक जन आंदोलन करना है और इसमें आप सबके भागीदारी जिन जनप्रतिनिधि है जिन किसान है जिन बुद्धिजीवी है एकर मन से बहुत विनम्र आग्रह है कि ये केवल शासन की योजना नहीं है। हम तो एक बार बनवाक देवो लेकिन संचालन करे काम लग गांव वाला मन लग करना है। गौठान समिति हर गांव में महिला मन के भागीदारी राउत पार्टियां मन के भागीदारी वह मतलब रोजगार मिले ये काम हम लग करना है ताकि गाय मन के नस्ल सुधारे काम भी किए जा सके और साथ ही कृषि ल और ग्रामीण व्यवस्था ल हम सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। जैन कल्पना महात्मा गांधी की रीत से जैन कल्पना विनोबा जी की रीत से बोला हम साकार कर सकन सुराजी गांव हम उनका नाम भी दें सुराजी गांव और ये सुराजी गांव के माध्यम से हमार एक रोल एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पूरा देश में एक मॉडल के रूप में हम छत्तीसगढ़ ला बढ़ाना चाहतन बनाना चाहतन। तो ये दिशा में आप सबके योगदान और भागीदारी बहुत जरूरी है क्योंकि बरसात लग चुके हैं पानी गिर गए बामद भी शुरू हो गए थरा देख भी शुरू हो गए और उमस भी कस के तो ज्यादा वैसे जब मैं तुहर मन कर बैठे रहा तो नेता मन आए तो कब कब रोकर भाषण सिराए 15 अगस्त और 26 जनवरी का प्रसाद मिला और घर भागन ये रहा है अभी तुम्हारी स्थिति वो इसने जैसे मैं आज से 48 साल पहले जो सोचा था तो आज स्थिति तुम्हारे मन के ज्यादा देर नहीं आप मन समय नहीं लेते भोजन वोजन की व्यवस्था है भोजन की व्यवस्था है सबके लिए सबके लिए तो सब सब जन बढ़िया एक साथ बैठ के भोजन करवो तो भोजन पर सादर आमंत्रित करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। जय जवाहर।